बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फैसलाबाद के सरीना होटल में टाइफाइड मुहिम में मीडिया के किरदार के मौजू पर एक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा खसूसी इब्रार हुसैन के मुताबिक इस आगाही सेमिनार के मेहमान खसूसी सेक्रेटरी प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान थे, जबकि उनके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली अरकान असम्बली शकील शाहिद फिरदौस राय, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आसिम अल्ताफ, सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सप्रा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद, डॉक्टर अताउल मुनम, DDHO डॉक्टर मोहम्मद अहमद, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर शफीक अहमद आसिफ, क्रिकेटर सईद अजमर, यूनिसेफ के अरकान और मीडिया नुमाइंदगान की कसी तादाद भी मौजूद थी। सेक्रेटरी प्राइमरी व सेकेंडरी हेल्थ पंजाब का इस मौके पर कहना था कि ये जो कैंपेन हम करने जा रहे हैं, इस कैंपेन की तार बनाना यार मुनफरिद बात ये है कि इस कैंपेन के बाद पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम अपने बच्चों को 10 नहीं 11 बीमारियों से महफूज करना शुरू कर रहे हैं। तो ये तारीखी कैंपेन इसलिए तारीखी है क्योंकि इसके बाद हम अपने बच्चों को कम से कम टाइफाइड जैसी मौलिक बीमारी से भी महफूज करेंगे, उसके अंदर उनके अंदर उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करेंगे। जबकि सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली का कहना था कि टोटल इस दो हफ्ते की कैंपेन में 17,20,000 का टारगेट है हमारे। हम 17,20,000 बच्चों को इसमें वैक्सीनेट करेंगे। इसके अलावा 6,00,000 बच्चों को जो हमारे स्टैटिक पॉइंट होंगे वहां पर हम OPV भी इसके साथ देंगे। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद वदीगर का कहना था कि बच्चों को टाइफाइड के मर्ज से बचाने के लिए ये प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे, जिसके लिए अस्पतालों और बराकज़ सेहत के साथ साथ स्कूलों में भी सेंटर बनाए गए हैं। यूनिसेफ के नुमाइंदा ने कहा कि पंजाब हुकूमत का ये शानदार इकदाम है और टाइफाइड की ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। इस मौके पर टाइफाइड बुखार की वजूहत, फैलने के साथ उससे बचाव के तरीकों पर मबनी वीडियोज़ और डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई।